ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सुजानपुर टिहरा में विद्युत विभाग में कर्मचारियों की कमी होने के कारण विद्युत विभाग लोगों की जन समस्याएं हल करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञात रहे कि सुजानपुर क्षेत्र के अंतर्गत 5 सब डिवीजन कार्य कर रहे हैं, जिसमें 85 पद सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए हैं, लेकिन 51 पद ही भरे गए हैं, जिसमें साफ जाहिर हो रहा है कि विभाग द्वारा कार्य करने में सफल नहीं हो पा रहा है। विद्युत विभाग को लोगों की जन समस्याएं हल करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञात रहे कि सुजानपुर क्षेत्र के अंतर्गत 5 सब डिवीजन कार्य कर रहे हैं, जिसमें 85 पद सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए हैं, लेकिन 51 पद ही भरे गए हैं, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि विभाग कार्य करने में सफल नहीं हो पा रहा है। विभाग की माने तो 288 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, जिनकी जिम्मेदारी विभाग के 2 कनिष्ठ अभियंता अफसरों पर ही टिकी हुई है। वहीं विभाग के पास लाइनमैन के 11 पद भरे गए हैं, जिनमें से 3 पद रिक्त चल रहे हैं। आने वाले दिनों में 3 के 3 लाइनमैन के रिटायरमेंट होने वाली है, जिससे विद्युत विभाग को स्टाफ की कमी के कारण जूझना पड़ रहा है। एक तरफ प्रदेश सरकार बिजली उपभोक्ताओं को अच्छी सुविधा देने का वादा कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ विभाग में विद्युत कर्मचारियों का टोटा होने के कारण दिन भर लोग शिकायतें लेकर विद्युत विभाग कार्यालय में पहुंच रहे हैं। वहीं विभाग द्वारा ऑल सोर्स पर भी पद भरे गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सुजानपुर उपमंडल विद्युत विभाग में कर्मचारियों की कमी देखी जा सकती है। वहीं विभाग की माने तो विद्युत विभाग में 15,350 उपभोक्ता सोनपुर सुजानपुर टिहरा के विद्युत विभाग के साथ जुड़ा हुआ है, जिसकी समस्याओं को हल करने में विभाग निरंतर असफल होता नजर आ रहा है, जिसका कारण विद्युत विभाग के कर्मी स्टाफ की कमी को बता रहे हैं। वहीं विभागीय कर्मचारियों द्वारा इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को भी अवगत करवा दी गई है, लेकिन विभागीय कर्मचारी हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं, जिसकी मार हजारों रुपए बिल भरने वाले उपभोक्ताओं के ऊपर पड़ रही है। एक तरफ तो भोक्ता उपभोक्ता 1 माह का बिल भी विभाग को नहीं दे पाता तो उसका मीटर विभाग द्वारा बंद कर दिया जाता है, लेकिन विभाग द्वारा उपभोक्ता की शिकायतों की मांग कई माह तक अधूरी पड़ी हुई है, जिससे साफ नजर आ रहा है कि विद्युत विभाग के कर्मियों की कमी के कारण विभाग अपना कार्य बेखुदी से नहीं निभा रहा है। विद्युत विभाग के SDO हेमराज ठाकुर से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि स्टाफ की कमी के कारण विद्युत विभाग उपभोक्ताओं की शिकायतों का निपटारा समय पर नहीं कर पा रहा है। वहीं विभाग के पास काफी उपभोक्ता होने के कारण स्टाफ की कमी पूरी नहीं हो पा रही है, इसके बारे में उच्च अधिकारियों को अवगत करवा दिया गया है। टेक्निकल स्टाफ के यहाँ पर स्वीकृत पद 83 पद है, जिनमें से 51 ही पोस्टेड है और 32 पोस्टें जो खाली हैं। इसमें क्लरिकल की भी हैं, क्लरिकल की 9 पोस्टें क्लरिकल की हैं, बाकी 23 टेक्निकल स्टाफ की हैं जो खाली पड़ी हुई हैं, और इसकी वजह से बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है लोगों की कंप्लेंट्स को रिड्रेस करने के लिए। 3 JEO की पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं, 6 से 5 सेक्शन हैं, 1 JEE सब स्टेशन है, JEE सब स्टेशन है, लेकिन 5 सेक्शनों से 2 ही JEE, जिसकी वजह से बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लाइनमैन के सेक्शन पोस्टें 13 हैं और एट प्रेजेंट 9 हैं, 4 पद खाली पड़े हुए हैं। हाँ, जुलाई महीने की 31 को एक फोरमैन रिटायर हो रहा है, 1 अक्टूबर में रिटायर हो रहा है, 1 बंदा बीमार चल रहा है, हार्ट प्रॉब्लम है उसको, तो काम पर तो ही 12 हैं। जानपुर टीरा के सब यूनिट के अंतर्गत 5 सेक्शन हैं, चबूतरा, जानपुर लोकल, जंगल गैरी, पटलांदर और चौरी। इसका इतना कैटेड एरिया होने के बावजूद 4 आदमी स्टाफ के हैं, तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है फील्ड में। स्टाफ ना होने के कारण सबसे बड़ी परेशानी यही है कि हम रिस्टोर कैसे करें, क्योंकि सभी सेक्शनों के सुजानपुर लोकल को छोड़ के सभी सेक्शनों के एरिए कैटेड हैं, फैमिली रिमोट टाइप हैं। अगर ये 2 आदमी कंप्लेंट के लिए एक जगह कहीं जाते हैं तो शाम तक एक ही कंप्लेंट होती है, बसेज की कोई फैसिलिटीज नहीं है, तो इस करके इस समय सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आ रही है कि हम लोगों को लाइफ कैसे दिया था। सर, उच्च अधिकारियों के इसके बारे में विभाग द्वारा कराया गया है कि नहीं कराया गया है?
अधिकारियों को और बताया गया और सब बताया गया यहाँ क्या पोजिशन प्राप्त किया क्या ऐसा ही पता भी कैसा एरिया है ऐसा ही पता भी यहाँ क्या कितनी चीज़ें हैं ऐसा ही पता भी यहाँ कितने मेम्बर हैं या कितने ट्रांसफार्मर हैं सब पता है उसका अधिकारी। कितने ट्रांसफार्मर सर यहाँ पे आपके लगे हुए हैं? हाँ ये तो सब में 235 ट्रांसफार्मर है 500 235 जिसके लिए विभाग द्वारा 13 लाइनमैन नियुक्त किए गए हैं इनकी देख रेख के लिए, पर जिसमें से 6 ही 9 ही मतलब आप पोस्टिंग नहीं हुई तो आगे और करना पड़ेगा। इस इन ट्रांसफार्मरों के अलावा एसटीएल की लाइनें हैं, 33 केवी लाइन है सुजान हमीरपुर से जयपुर तक, 33 केवी लाइन है, 3 अनमैन सब स्टेशन है,